गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बच्चे। आज का टॉपिक क्या हमारा है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर मेरे पास कोई लीनियर इक्वेशन दिया हुआ पेयर, उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसके हमारे एक कंडीशंस है। तो फर्स्ट कंडीशन लिखा हुआ है कि ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। अगर इस तरह कोई कंडीशन अगर आता है तो इसके कितने होगा सॉल्यूशन? एक ही सॉल्यूशन होगा, इसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और इसका ग्राफ कैसा होगा? उसका ग्राफ होगा इंटरसेक्ट लाइन। तो ग्राफ के बारे में हम बाद में इसके बाद डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग ग्राफ का क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, इस पर कुछ नंबर करेंगे, इस पर कुछ प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद हम लोग ग्राफ का प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हमारा, कि अगर ए वन बाई ए टू हो और नॉट इक्वल टू क्या हो, बी वन बाई बी टू। जैसे आप जानते हो कि आपका कोई भी जो क्वेश्चन होता है, क्या होता है आपका, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल क्या होता है? जीरो। अगला क्या होता है? ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। मान लीजिए आपके पास ये दो पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करके कितने इक्वेशन बनेंगे? नहीं, तो इसका है कंडीशन क्या, कि अगर ए वन बाई ए टू, ए वन बाई मतलब इसके एक्स का जो कोफिशियंट होगा और इसके साथ जो कोफिशियंट होगा उसका, तो ए वन बाई ए टू और लिखा हुआ क्या, बी वन बाई बी टू। अगर ये दोनों आपस में इक्वल अनइक्वल हो जाए, क्या हो जाए? अनइक्वल हो जाए, मतलब इसके इक्वल नहीं हो, तो इस तरह कंडीशन में क्या कहेंगे? कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। मतलब इसमें और इसमें केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। मतलब कहने का मतलब कि एक्स वाई का जो वैल्यू इसमें आएगा वो केवल एक ही पेयर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। आपने स्टार्टिंग हमने जब पढ़ाया होगा तो आपने देखा, उन्होंने बताया था कि हमने एक इक्वेशन हमने सॉल्व किया था और एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड किया था और उसके वैल्यू हमने क्या किया, पुट किया था, तो क्या होता, दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई किया था और हमने ये कहा था कि इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरी बात समझ आया आपको? आया? मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग, जब आपको हमने बताया था मान इसको सॉल्व करें और यहाँ से एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा वो क्या करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन उसका नहीं होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? तो इसका कंडीशन क्या है, अगर मान लीजिए कोई यूनिक सॉल्यूशन अगर है उसका क्या है कंडीशन? तो कंडीशन ये है, ए वन बाई ए टू होना चाहिए और नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी वन बाई बी टू। अभी हम सवाल से इसको फिर क्लियर कर देंगे और, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। नाउ सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन में कि ए वन बाई ए टू हो इक्वल टू बी वन बाई बी टू आ जाए और सी वन बाई सी टू। मतलब मान लो ये तीनों इक्वल आ जाए, ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू, ये तीनों अगर आपस में इक्वल हो जाए नहीं तो इसके कितने होंगे सॉल्यूशन? इसके सॉल्यूशन होंगे इन्फिनाइट, मतलब मेनी सॉल्यूशन होंगे। क्या होगा? इन्फिनाइट सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। इन्फिनाइटली सॉल्यूशन बोल लो या मेनी सॉल्यूशन आप बोल सकते हो, ठीक है, मेनी सॉल्यूशन। तो जिसमें भी दो, जिसके भी सॉल्यूशन है, जिसके भी क्या है सॉल्यूशन है, उसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहेंगे उसको? कंसिस्टेंट। जैसे इसके भी सॉल्यूशन आते हैं और इसके भी सॉल्यूशन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कंसिस्टेंट, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसा होगा? कोइंसिडेंट लाइंस होगा। तो ग्राफ को बाद देखते हैं, ठीक है, पहले सवाल को इस पर कर लेते हैं पहले। नाउ थर्ड दिया कंडीशन, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू हो लेकिन सी वन बाई सी टू के इक्वल नहीं हो। ये हो गया तीन कंडीशन, इससे क्या होंगे सॉल्यूशन? तो नो सॉल्यूशन, मतलब इसमें एक्स और वाई का मान नहीं निकलेगा। नो सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया? इसमें एक्स और वाई के वैल्यू नहीं फाइंड होंगे, ठीक है, इसे कहते हैं नो सॉल्यूशन। इसका ग्राफ कैसा होगा? तो लाइंस कैसा होगा? पैरेलल लाइंस होगा, मतलब दोनों लाइंस होगा, मतलब इस इक्वेशन का लाइन और इस इक्वेशन का लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ना कोइंसिडेंस होगा, बल्कि क्या होगा? पैरेलल लाइंस होगा। तो इसका जो इंपॉर्टेंस है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी नंबर ऑफ सॉल्यूशन ने फाइंड किया, तो एक बार हम लोग फिर से रिकैप कर देते हैं कि फर्स्ट में क्या पड़ा था कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन क्या हमारा यूनिक सॉल्यूशन का, हाँ, ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू, ये किसका है कंडीशन? वन सॉल्यूशन का या यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसे ग्राफ कैसा है? इंटरसेक्टिंग, वेरी गुड। नाउ सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, हाँ, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू, तो मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका ग्राफ कैसा जाएगा? कोइंसिडेंस, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन क्या दिया हुआ, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, इसका हो गया क्या? नो सॉल्यूशन। अच्छा, जिसका सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। याद रहेगा, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, समझ गए?
कंसिस्टेंट क्या होगा, जिसके सॉल्यूशन होंगे और इसका सॉल्यूशन अगर नहीं हो सकते हैं इनकंसिस्टेंट। अब इसमें हम क्वेश्चंस देते हैं, क्वेश्चंस आपको कंसेप्ट को क्लियर और करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे देखिए, अभी जस्ट आपको हमने इसका बताया था कंसेप्ट, अब इस कंसेप्ट के आधार पर क्या है सवाल दिया हुआ है, जिससे आपका कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है, आपको पी का वैल्यू फाइंड करना, फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको दिया हुआ इक्वेशन 2px प्लस 3y इक्वल टू 7 है, और सेकंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस y इक्वल टू 6 है, और कह रहा है क्या हैज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, तो वन सोल्यूशन क्या है कंडीशन, यही ना है कंडीशन, यही हमारा है, मतलब a1 by a2 not equal to, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे लिख लो पहले a1 कितना आपका है, तो कंडीशन क्या हमारा है a1 by a2 not equal to b1 by b2, अब इसके आधार में वैल्यू को पुट कीजिए, तो a1 कितना हमारा इसमें है दो है कि 2p हो जाएगा, 2p x को छोड़ के ना, ये पूरा कॉन्स्टेंट ना हमारा हो गया, तो 2p हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद a2 कितना हमारा है 2 है नॉट इक्वल टू, उसके बाद b1 कितना है 3 है, और b2 कितना हमारा है 1 है। देखो क्या ये आपस इक्वल दिख जाएगा, देखो तो 2 से 2 कट जाएगा, है ना, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया 2 बाई 2 आया था, और यहाँ पे कितना 3 बाई 1 है, तो आपस इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन तो फॉलो हो ही रहा है, और यहाँ से क्या मान निकालना हमको p का मान निकालना है, तो p का मान यहाँ से सॉल्व कर लो, तो p का मान कितना जाएगा p इक्वल टू हो जाएगा, इधर कितना कट गया, इधर बच गया 3, तो p नॉट इक्वल टू 3, यही हो गया इसका आंसर हो गया, समझे, मतलब यहाँ पर जो p आएगा वहाँ पर वैल्यू से क्या जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया आपका किसका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, ये कंडीशन हो गया, और इस कंडीशन के आधार पर हमने वैल्यू पुट किया, और यहाँ से हमने किसका मान निकाल लिया p का वैल्यू फाइंड कर लिया। इसके आधार पर एक और क्वेश्चन दे दें आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं ताकि आप उसको सॉल्व करके इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए बच्चे, आपको इसी के आधार पे हमने जो क्वेश्चन बताया था, तो उसी के आधार पर हमने क्वेश्चन दे दिया है, आपको दिया हुआ 4x प्लस 2py प्लस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो आपको इसमें p का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, इसको सॉल्व कर इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। इसके बाद देखते हैं हम लोग सेकेंड और थर्ड कंडीशन, ठीक है। बच्चे अभी तो फर्स्ट हमारा हो गया था कौन सा यूनिक सॉल्यूशन का, तो अब सेकेंड हमारा क्या है मेनी सॉल्यूशन, तो उसी के आधार पर सेकंड क्वेश्चन दिया है, फॉर व्हाट वैल्यू जो आपके इसमें किसका मान निकालना है के का मान निकालना, विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, तो यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन मेंशन कर दिया कि किस कंडीशन किसका पूछ रहा है इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन का, और आपको दे दिया इक्वेशन, तो इसका क्या कंडीशन, कंडीशन तो यही होता है, तो इसके आधार वैल्यू पुट कीजिए, तो क्या लिखा हुआ ए वन, तो डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, आप इसको लिख के फॉर्म को उसके बाद वैल्यू पुट करना, ठीक है, तो ए वन कितना हमारा k है, वेरी गुड, उसके बाद a2 कितना हमारा 12 इक्वल टू, उसके बाद 3, उसके बाद k नहीं हो जाएगा k, उसके बाद क्या जाएगा माइनस k माइनस 3 अब बाई माइनस k। अब ध्यान से देखो कि सभी के सभी टर्म क्या है एक तरफ है, तो यहाँ भी देखो इसको इधर लेके आए हैं और इधर भी इसको भी लेके आए, तो ये बात को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, देखो माइनस माइनस कट जाएगा। अब मुझे कह रहा है k का मान निकालने के लिए, किसका मान निकालने के लिए बोल रहा है k का, ठीक है, तो आप चाहो तो k का मान तो आंसर निकाल सकते हो, कैसे, या तो देखो तीनों आपस में इक्वल है, या तो इन दोनों को इक्वल करके निकाल लो k का मान, या इस दोनों को कर लो, या तो इस दोनों को कर लो, कहने का मतलब 1 2 के बराबर है, 1 3 के बराबर है, और 2 3 के बराबर है, तो किसी दो को आप लेके चल सकते हो, वहां से क्या निकालेंगे हम लोग k का मान निकालेंगे, तो बताइए k का मान कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से हम लोग कर ले k स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, तो k स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा 12 से जा 36, इसलिए k का मान आ जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस 6, ये आपका आंसर होगा k का वैल्यू, हाँ स्क्वायर रूट डालेंगे ना, k का स्क्वायर है उस पर रूट डालेंगे क्या जाएगा प्लस और माइनस, तो ये हमारा k का मान हो गया, ठीक है, हाँ प्लस माइनस आएगा ना, क्योंकि देखो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ के स्क्वायर लिखा हुआ है, तो रूट डालेंगे, तो रूट डालेंगे तो यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हैं 6 × 6 बोलिए, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बताइए माइनस 6 × माइनस 6, तो दोनों का आंसर कितना आएगा
सिक्स ही अगेन आएगा ना, तो प्लस सिक्स में भी आ रहा है और माइनस सिक्स में भी आ रहा है, इसलिए इसका मान प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड को लेकर चले हम लोग, यहाँ से हम लोग के का मान निकाले, देखिए तो थ्री बाई के लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू के माइनस थ्री, अब बाई का लिखा हुआ है के है, तो के से के कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ कितना जाएगा के का मान, तो के इक्वल टू आ जाएगा माइनस थ्री, इधर प्लस में जाएगा तो के इक्वल टू सिक्स, तो यहाँ पर के का मान कितना आ गया सिक्स, और यहाँ पर के का मान कितना था, एक प्लस सिक्स था ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका आंसर जो आएगा के का मान वो सिक्स आएगा, क्योंकि दोनों आंसर क्या आ रहा है सिक्स आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा सिक्स आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस सिक्स भी आ गया था ना, इसलिए हम दोबारा सॉल्व करना पड़ गया, ठीक है, कि के का आंसर क्या आएगा, तो के का मान क्या आएगा सिक्स आएगा। अब देखते हम लोग लास्ट नो सॉल्यूशन का भी, ठीक है, चलिए देखिए बच्चे अभी हम लोग लास्ट देख रहे हैं किसका, नो सॉल्यूशन का। तो क्वेश्चन दिया हुआ कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, तो ऑलरेडी लिखा हुआ क्वेश्चन क्या नो सॉल्यूशन, और क्वेश्चन दिया हुआ थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, टू के माइनस वन इंटू एक्स प्लस के माइनस वाई आई इक्वल टू टू के प्लस वन, तो क्या है कंडीशन, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, चलिए वैल्यू को पुट कीजिए, तो ए वन कितना हमारा है थ्री, उसके बाद ए टू कितना हमारा है टू के माइनस वन इक्वल टू बी वन कितना हमारा वन, और बी टू कितना हमारा है के माइनस वन और नॉट इक्वल टू सी वन कितना हमारा है, इधर ले जाएंगे इसको तो माइनस वन, और सी टू कितना जाएगा माइनस टू के प्लस वन, अभी ब्रैकेट डाल रहे हैं फिलहाल, ठीक है। अब बताओ इसमें कौन सा इक्वल है, ये तो इक्वल है, तो इस दोनों को ले चलते हैं, यहाँ से हम लोग के का वैल्यू फाइंड कर लेंगे जल्दी, तो बताओ यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना बन जाएगा ये थ्री के माइनस थ्री, इधर बन जाएगा टू के माइनस वन, सो सॉल्व करो सिंपल सा, तो थ्री के माइनस टू के क्या बन जाएगा के, और माइनस इधर जाएगा प्लस थ्री, प्लस थ्री से क्या कितना जाएगा के का मान टू, सॉल्व कर दिया सिंपल सा, इस टू के इधर गए तो थ्री के माइनस टू के क्या कितना के, और माइनस थ्री इधर जाएगा तो प्लस थ्री, और थ्री माइनस वन किया तो टू, तो आपका आंसर के का मान कितना आ गया टू आ गया। आई होप आपको ये कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे ग्राफ के बारे में, ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग सभी लोग लाइक दें, और जो आपको क्वेश्चन दिए हैं बनाने के लिए उसको आप सॉल्व करें, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करें, ठीक है, और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स रिलेटेड वीडियो इस पर अपलोड होते हैं, और आपको हर सैटरडे को इंग्लिश का वीडियो अपलोड होता है, ठीक है, चलिए तो आप मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।